हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके बारे में इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ हिस्ट्री है उसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, ये हमने सीखा है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है इसके बारे में हमने सीखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके बाद में हमने ये सीखा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वर्णक यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला हमने बात की थी फाइकोबिलिन्स, दूसरे हम पढ़े थे यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स और तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल। तो देखिए हम स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो आज है क्लोरोफिल। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है तीन है, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल। देखिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, अब क्लोरोफिल की बात करेंगे। उससे पहले फाइकोबिलिन जो है वो शैवालों में पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड जो है वो सहायक वर्णक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी ऐसे वर्णक जो एक तरीके से प्रकाश यानी क्लोरोफिल जिन प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता वो कौन करता है, कैरोटीनॉइड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल की। तो देखिए हम बात करेंगे क्लोरोफिल जो है ये एक मुख्य वर्णक। देखिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य वर्णक होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। यानी पादपों में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। कि जैसे पादप या फिर विभिन्न प्रकार के जो कोशिका अंग होते हैं उनके अंदर, जैसे प्लास्टिड है उसके अंदर कितने कौन कौन से प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए बी 7 प्रकार के होते हैं, टोटल कितने होते हैं 7। उसमें कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी और ई, यानी ए से लेके ई। इसके अलावा बैक्टीरियो वर्डिंग और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये दो क्लोरोफिल और होते हैं, टोटल कितने हो गए 7। 7 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसमें मुख्य वर्णक जो मुख्य क्लोरोफिल जो होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। अब देखिए बाकी अन्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक वर्णक। अब बात करेंगे यहां पे कि जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो सहायक वर्णक है, लेकिन मुख्य वर्णक के रूप में भी कभी कभी क्या होता है, ये प्रयुक्त होता है। अब देखिए कि जो क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से यानी कार्बनिक, एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पिगमेंट होते हैं ये, यानी ऑर्गेनिक पिगमेंट है जो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। देखिए यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है कि ये एक तो हमारे पास, ये तो हमारे पास है क्लोरोफिल ए और ये हमारे पास है क्लोरोफिल बी। इसकी बात करेंगे, एक बात याद रखना कि क्लोरोफिल बी जो है वो कार्बनिक विलायकों में अधिक विलय, जबकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो क्लोरोफिल बी की अपेक्षा कम विलय होता है। देखिए मैंने क्या क्या बातें बताई हैं वो आपको बताता हूं वापस से। देखिए मैंने बताया कि पादपों में पाए जाने वाला मुख्य वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। बात समझ में आ रही है, यानी क्लोरोफिल जो होते हैं वो मुख्य वर्णक है, बाकी अन्य जो होते हैं कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स है। कैरोटीनॉइड सहायक वर्णक है, फाइकोबिलिन्स शैवालों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि पादपों में 7 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए 7 प्रकार के पाए जाते हैं, 7 प्रकार के, 7 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ए बी सी डी और ई। 5 तो ये हो गए, एक हो गया बैक्टीरियो वर्डिंग और बैक्टीरियोफिल, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 प्रकार के क्लोरोफिल हो गए। इनमें भी मुख्य वर्णक जो होता है
इन सभी में भी मुख्य वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, जो क्या काम करते हैं, प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्लोरोफिल, जैसे ये एक तो मैंने बनाया यहाँ पे क्लोरोफिल ए और एक क्या बनाया क्लोरोफिल बी, दो यानी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है। क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफिल बी की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में कम विलय होता है, यानी ये तो इसकी विलयता अधिक, कार्बनिक विलायकों में ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में, तो कार्बनिक विलायकों में इसकी विलयता तो अधिक और इसकी विलयता क्या होती है, कम होती है। ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल ए जो होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, संरचना के बारे में बात करेंगे, यानी क्लोरोफिल जो है उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। देखिए संरचना से पहले की बात करेंगे आपको, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें कि इस क्लोरोफिल अणु की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन तीन वैज्ञानिक हैं, एक तो है देखिए विल्स टॉटर है, फिशर है और एक वैज्ञानिक और है स्टॉल। विल्स टॉटर, फिशर और स्टॉल इन तीन वैज्ञानिकों ने क्लोरोफिल की विस्तृत संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किया, यानी क्लोरोफिल की संरचना का विस्तृत अध्ययन तीन वैज्ञानिकों ने विल्स टॉटर, फिशर और स्टॉल ने किया था। अब देखिए बात करें हम कि क्लोरोफिल एक ध्रुवीय अणु होता है, इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफिल क्या है, एक ध्रुवीय अणु। मैं बोल के बताता हूं पहले फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, एक ध्रुवीय अणु है और क्लोरोफिल में दो संरचनाएं पाई जाती है, क्लोरोफिल अणु जो होता है उसकी दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो पोरफायरिन वलय और एक होती है फाइटोल श्रृंखला, फाइटोल श्रृंखला युक्त पूंछ। पोरफायरिन जो वलय होता है उसका तो शीर्ष हो गया और फाइटोल श्रृंखला युक्त पूंछ। देखो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो होता है उसकी दो संरचनाएं होती हैं, एक तो शीर्ष भाग जो किसका बना हुआ है, पोरफायरिन वलय से निर्मित होता है, और एक होता है पूंछ जो किसकी बनी हुई है, फाइटोल श्रृंखला से निर्मित होता है। ये थी बात इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि पोरफायरिन वलय जो होती है वो चार पायरोल श्रृंखलाओं से निर्मित होती है, एक पायरोल श्रृंखला में एक नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है, इस प्रकार टोटल यानी चार पायरोल श्रृंखला है तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, चार होगी। इसके अलावा प्रत्येक पायरोल श्रृंखलाएं जो होती हैं वो मैथिल बंध के द्वारा आपस में जुड़कर चक्रीय वलय का निर्माण करती हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर से बताते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहां पर एक स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले कि ये जो क्लोरोफिल जो होता है उसके दो भाग होते हैं, क्लोरोफिल के कितने भाग है, दो। यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये तो क्या हो गया शीर्ष, और जो शीर्ष है वो किसका बना हुआ है, पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन रिंग से बना हुआ है, और यहां से लेकर यहां तक आगे और डॉट डॉट है, तो ये क्या होगी हमारे पास फाइटोल श्रृंखला। देखो इसको नाम दिया गया है पूंछ, और जो पूंछ है वो किससे निर्मित है, फाइटोल श्रृंखला से निर्मित है, पूंछ जो है वो किससे निर्मित है, फाइटोल श्रृंखला से। अब देखिए
पोरफायरिन वलय जो है, इस पोरफायरिन वलय में चार फाइटोल श्रृंखला पाई जा रही है। पोरफायरिन जो वलय है इसमें चार पायरोल, चार पायरोल श्रृंखला पाई जा रही है। अब चार पायरोल श्रृंखला कौन कौन सी हो गई, एक दो तीन और ये चार। वापस से बताता हूं, देखो मैंने क्या बताया है कि पोरफायरिन वलय जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस स्ट्रक्चर में चार पायरोल श्रृंखला पाई जा रही है, एक दो तीन और ये चार। यहां से स्टार्ट कर लीजिए, एक दो तीन और ये चार, या यहां से गिन लीजिए आप, एक दो तीन और ये चार। ये चार पायरोल श्रृंखला इसके अंदर पाई जा रही है। एक पायरोल श्रृंखला में, एक पायरोल श्रृंखला में एक नाइट्रोजन परमाणु है। अब पायरोल श्रृंखला कितनी है, चार, तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या भी कितनी होगी, चार होगी, जो मैथिल बंध के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा अब दूसरी बात क्या बताई गई है कि यहां पर जो पूंछ है वो किससे निर्मित है, फाइटोल श्रृंखला में। इसके केंद्र में जो पोरफायरिन वलय है, इसके केंद्र में कौन सा परमाणु पाया जाता है, मैग्नीशियम परमाणु क्या होता है, पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल के सिर, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक परमाणु इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। इसके सेंटर में जो पाया जाता है वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम परमाणु। अब देखिए बात यहां पे आती है कि हमारे पास यहां पर एक तो है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी। इन दोनों की अपन अणुसूत्र की बात करें, ये तो क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल बी है। दोनों के अणुसूत्रों की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। और एक हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें कि ये जैसे अपन बात करें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है इसमें तीन परमाणु तो सेम होंगे, यानी उनके तीनों परमाणु की जो संख्या होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, समान होगी। ये हो गई 55, ये हो गई 55, यहां पर ये कितनी है, 4। अभी मैंने बताया कि दोनों में चार पायरोल श्रृंखला दिख रही है आपको, तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, चार। मिड में यानी सेंटर में क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितनी हो गई, एक। यहां पर ये कितना होगा, 72, ये है 70, ये हमारे पास देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4। तो ये एक तरीके से हमारे पास यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर यानी जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे O5 आएगा और यहां पे O6 आएगा। देखिए बात करते हैं यहां पे कि कार्बन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, यहां पर हम बात करें कार्बन, कार्बन की संख्या क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल बी। कार्बन, कार्बन की संख्या दोनों में सेम होगी, नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की भी संख्या सेम होगी, केवल यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंजेस होगा। एक बात और बताते हैं कि क्लोरोफिल ए में तीसरी पायरोल श्रृंखला के ऊपर मैथिल समूह, जबकि क्लोरोफिल बी में तीसरी पायरोल श्रृंखला पर एल्डिहाइड CHO समूह जुड़ा हुआ होता है। अब मैं आपसे ऐसे पूछूं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में तीन अंतर बताइए, तो सबसे पहले हम बात करें अणुसूत्र की हो गई, सबसे पहले किसकी बात हो गई, अणुसूत्र की यानी फॉर्मूले की, फॉर्मूले की बात हो गई। अणुसूत्र जैसे अपन बात करें कि एक तो अणुसूत्र का इसके अंदर डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा हम बात करें यहां पे कि इसकी विलयता कम है कार्बनिक विलायकों में और इसकी विलयता अधिक है। इसके अलावा तीसरी पायरोल श्रृंखला में इसमें क्या पाया जा रहा है, मैथिल समूह पाया जा रहा है और वहां पर क्या पाया जा रहा है, एल्डिहाइड समूह, CHO समूह पाया जाता है। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्लोरोफिल से रिलेटेड बातें थी। मैं आपको एक बार आज इसमें लिखाने की और डायग्राम था इसलिए एक बार मैं वापस बताता हूं। देखिए
सबसे पहले हमने ये कहा है कि पादपों में पाए जाने वाला तीनों वर्णकों में मुख्य वर्णक जो होता है क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात की पादपों में सात प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो वर्डील और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक ध्रुवीय अणु होता है जिसके दो भाग होते हैं, एक तो शीर्ष और एक पूंछ। शीर्ष जो होती है वो किससे बना होता है, पोरफायरिन वलय से निर्मित होता है, जबकि पूंछ जो होती है वो किससे बनी होती है, फाइटोल श्रृंखला से। पोरफायरिन वलय है वो चार पायरोल श्रृंखलाओं से निर्मित होता है, एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार। पोरफायरिन वलय शीर्ष जो है, पोरफायरिन वलय है वो चार पायरोल श्रृंखलाओं से निर्मित होता है, एक पायरोल श्रृंखला में एक नाइट्रोजन परमाणु। इस प्रकार टोटल क्लोरोफिल में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, चार होगी, और केंद्र में क्या होता है, एक मैग्नीशियम परमाणु। पूंछ एक फाइटोल श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। अब देखिए क्या बताया गया कि जो क्लोरोफिल अणु है, क्लोरोफिल अणु, इस क्लोरोफिल अणु की अणुसूत्र की बात करें तो देखिए यहां पर क्लोरोफिल ए और ये क्या है, क्लोरोफिल बी। दूसरी हम बात करें कि क्लोरोफिल ए और बी में अंतर क्या हो गया, तो क्लोरोफिल ए के तीसरी पायरोल श्रृंखला में CH3, जबकि तीसरी पायरोल श्रृंखला में क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। इसकी विलयता क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी विलयता कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, कम होती है। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से क्लोरोफिल से रिलेटेड उसकी स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल के बारे में। हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो कितने होते हैं, तीन होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, देखिए स्टूडेंट्स प्रकाश की प्रकृति से रिलेटेड क्या है वो आपको समझना है। यहां पे देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण को के रूप में प्रसारित होता है। अब देखिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्यमान भाग को क्या नाम दिया गया है, प्रकाश। अब प्रकाश जो है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, सात रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकाश है सात रंगों से मिलकर बना हुआ होने के कारण जो अलग अलग रंग है उनकी तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है, सभी रंगों की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे हम बात करें कि सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लाल रंग की कितनी होती है, 660 से 780 के मध्य होती है, जबकि हम बात करें बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, 390 देखिए 430। तो देखिए क्या क्या बात बताइए मैंने वो आपको समझना है। फिर हम बात करें यहाँ पे कि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती है उनको इंफ्रारेड, जबकि लाल रंग से बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य जो होती है उनको पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेष जो प्रकाश है, देखिए प्रकाश जो है वो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल के द्वारा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है। देखो मैंने क्या क्या बातें बताई, एक बार मैं वापस बताऊंगा। आगे देखिए यहां पर क्या बता रखा है कि प्रकाश के अंदर एक निश्चित ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं जिनको नाम दिया गया है फोटोन, और फोटोन के अंदर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निहित होती है
जिसे क्या नाम दिया गया है, क्वांटम। अब देखिए एक बार बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए 8 फोटोन अणुओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। और अवशोषित की गई क्वांटम जो फोटोन ऊर्जा है उससे मुक्त होने वाले ऑक्सीजन अणुओं को क्वांटम उत्पादन कहते हैं। देखिए मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, वापस से समझो आप। सबसे पहले पहले मैं एक बार वापस से बोल के बता दूं आपको। सबसे पहले जो प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति कहती है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, उसकी यानी जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रवाहित होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रकाश जो होता है दृश्यमान प्रकाश को, यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान जो भाग है उसको प्रकाश नाम दिया गया है। अब प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, 7। अब सातों रंगों की जो तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य जो है वो सभी की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, सबसे कम। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 660 से 790, जबकि हम बात करें यहां पे बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो 380 से 430 के लगभग होती है। अब देखिए हम बात करेंगे यहां पे कि जो प्रकाश होता है उसके अंदर निश्चित ऊर्जा के कण पाए जाते हैं, निश्चित ऊर्जा के कण पाए जाते हैं, इनको नाम दिया गया है फोटोन। और फोटोन में भी एक निश्चित ऊर्जा वाले समूह या कण पाए जा रहे हैं, उनको नाम दिया गया है क्वांटम। अब देखिए जो क्वांटम, देखिए अब हम बात करेंगे कि देखिए हमने बात की थी यहां पे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए यहां पे निश्चित फोटोन के अणुओं की आवश्यकता होती है, और फोटोन कितने हैं, 8 फोटोन अणुओं की, इसको नाम दिया गया क्वांटम आवश्यकता। अब ये फोटोन अवशोषित हुए तो उससे क्या होगी कि ऑक्सीजन बनेगी, यानी जल का अणु का अपघटन होगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, तो जो ऑक्सीजन बाहर निकली है उसको नाम दिया गया क्वांटम उत्पादन। अब समझिए, देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रवाहित होता है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान भाग को विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान भाग को प्रकाश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य
लाल रंग है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है 660 nm से 780 nm और बैंगनी रंग की बैंगनी रंग की होती है 390 से 430। अब देखिए ये भी बात है, एक तरीके से हमारे पास एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश है उसकी यानी जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले जो प्रकाश है कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य के प्रयुक्त होंगे। ज्यादा जो होता है वो नीले बैंगनी नीले और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य इनके बीच की तरंग दैर्ध्य को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देखिए क्या बताया गया है कि जो हमारे पास यहां पर प्रकाश है जो प्रकाश है जैसे हम बात करें कि जो प्रकाश देखिए दृश्यमान जो प्रकाश है उसमें जो ऊर्जा होती है वो एक निश्चित समूह के रूप में पाई जाती है जिसे क्वांटम यानी फोटोन यानी एक निश्चित ऊर्जा के रूप में ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं। देखिए दृश्यमान प्रकाश में ऊर्जा के कण पाए जाते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं और इन फोटोन कहते हैं। और देखिए फोटोन में भी क्या होती है यानी ऊर्जा जो होती है वो किसके रूप में यानी फोटोन में ऊर्जा क्वांटम के रूप में संग्रहित होती है। अब देखिए क्या बताया गया है कि इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए 8 फोटोन अणुओं की आवश्यकता होती है जिसे क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 8 फोटोन अणुओं की आवश्यकता होती है जिसे क्वांटम आवश्यकता कहते हैं एक बात और बताते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान जो फोटोन अणुओं का अवशोषण हुआ है उससे यहां पर ऑक्सीजन अणुओं का जितने ऑक्सीजन अणुओं का उत्पादन होता है उसे क्वांटम उत्पादन कहते हैं। समझ में आ गया होगा मैं लिख रहा नहीं हूं। यहां पर देखो 8 फोटोन अणुओं की
आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए, तो उसे ही नाम दिया गया क्वांटम आवश्यकता। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से और ये जो अणु अवशोषित हुए हैं उससे जितने ऑक्सीजन अणुओं का उत्पादन होता है उसे क्वांटम उत्पादन कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बैंगनी और लाल जो रंग है उनके मध्य होती है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, जो कि पत्तियों के द्वारा हरे रंग को क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो ये थी बात हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।